जी बीपीएससी की जगह पर नेट जीआरएफ लिख दें, सही बात है, लेकिन है ना अभी बीपीएससी वालों को भी सेम यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए लिख दिया गया है कि दोनों को काम आ जाए ये चीज़ एक ही जगह। कुछ लोग जानने वाले उसमें भी हैं जो परेशान कर रहे हैं कि पढ़ाइए आप उसको भी, और वक्त मेरे पास है नहीं, तो एक ही दोनों काम चल जाएगा, यहीं से वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप ही लोग के एग्ज़ाम के साथ उनका भी एग्ज़ाम है। चलिए सब लोग आ गए हैं, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सबक। और कमेंट को बंद कर दिए हैं जब तक, ताकि स्क्रीन क्लियर रहे पढ़ाने में। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया था फड़कता हुआ जाल में नासबूर। अब हम अगला जो है बंद पढ़ेंगे। फरेबे है सुकून सबात, तड़पता है हर जर्रे कायनात, थड़का नहीं कारवाने वजूद के हर लहजा है ताज़ा शाने वजूद। कह रहे हैं ना कि फरेब नज़र है सुकून सबात, यानी ये नज़र का फरेब है जिसमें इंसान ठहरा हुआ है, साबित कदम है एक जगह, याल नहीं है, सैयार नहीं है, रवा दवा नहीं है, ये नज़र का फरेब है। असल में अगर देखा जाए ना तो कायनात का एक एक ज़र्रा तड़पता है, यानी हर बार रवा दवा है, चल रहा है, जारी और सारी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूरज चांद का चक्कर लगा रहा है, ज़मीन का चक्कर लगा रहा है, सब बाहम एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह सिर्फ सूरज चांद और ज़मीन ही नहीं बल्कि कायनात का एक एक ज़र्रा तड़प रहा है, फ़र्क रहा है, रवां दवां है। अगर है कोई साबित तो वह इंसान ही है, अगर साकिन एक जगह जामिद कोई है तो वह इंसान ही है जो एक जगह पर ठहरा हुआ है, और ये इसके और इसी वजह से वो खुद भी ठहरा हुआ रहता है और उसको लगता है कि दुनिया भी इसी तरह ठहरी हुई है, इसलिए उसी पे वो कायम रहता है। अगर उसको ये समझ में आए कि दुनिया की हर शय रवां दवां है सिवाय हमारी ज़ात के यानी इंसानों के, तो फिर उसके अंदर भी रवानगी पैदा हो जाए। तो लेकिन उसके नज़र में ही फरेब छा गया है, इसलिए उसे हर चीज़ ठहरी हुई मालूम हो रही है। ठहरता नहीं है कारवाने वजूद के हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। कोई भी चीज़ यहाँ जो है ठहरता नहीं है और हर चीज़ में ताजगी आ जाए, यही असल में उस चीज़ के वजूद की शान है। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ के परवाज़ है ज़िंदगी। तू जिसको ज़िंदगी का राज समझता है ना, वो यही है कि ज़िंदगी में परवाज़ को अपना लिया जाए, परवाज़ पे गौर व फ़िक्र किया जाए, उस पर मेहनत की जाए। बहुत उसने देखे हैं पस्तो बुलंद सफ़र, उसको मंजिल से बढ़कर पसंद। यानी इंसान ने बहुत पस्ती और बुलंदी का सफ़र किया है और इसको मंजिल से ज़्यादा कहीं पे एक जगह जाके ठहर जाना, जैसे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। तो एक मंजिल अगर दरिया मिल गया है ना तो यहाँ पे रुक नहीं जाना है। एक दरिया अगर आपको मिल गया है तो अगर छोटी मंजिल मिल गई है तो उस पे इंसान को साकित नहीं हो जाना है, जामिद नहीं हो जाना है, बल्कि उसके आगे की तलाश करना है। तो बढ़कर उसको क्या है, सफ़र पसंद है। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगोसा, सफ़र है हकीकत हज़र है मजाज। तो कह रहे हैं सारा जो ये बर्ग का साज है ना, जो बर्ग के खनखनाने की आवाज़ है, पत्तों के खनखनाने की आवाज़ है, ये सब क्या है, सफ़र ज़िंदगी है। हिलना डोलना ये सारा सफ़र ज़िंदगी है। सफ़र है हकीकत हज़र है मजाज, यानी सफ़र में इंसान को रवा दवा रहना यही हकीकत है, और एक जगह ठहरे रहना, मस्कन में साबित कदम रहना, ये क्या है, मजाजी चीज़ है। ये इंसान का इससे वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। उलझ कर सुलझने में लज्जत उसे, तड़पने फड़कने में राहत उसे, हुआ जब उसे सामना मौत का, कठिन था बड़ा थामना मौत का। कहते हैं उलझ कर सुलझने में लज्जत ही कुछ और है। अगर कोई गुत्थी उलझ गई है फिर अगर वो उकदा हल हो जाए, वो गत्थी जो है वो गुत्थी हल हो जाए तो इंसान को एक अजीब खुशी मिलती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो फिर अचानक से वो समझ में आ जाए तो लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया है। तो उलझ कर सुलझने में लज्जत है उसे, तड़पने फड़कने में राहत है उसे, और जो जितना इंसान कोशिश करता है, रवा दवा रहता है, इसी में इंसान को क्या आने लगता है, मज़ा आने लगता है। हुआ जब उसे सामना मौत का, कठिन था बड़ा थामना मौत का। तो उस वक्त उसके लिए बहुत थामना मुश्किल था क्योंकि वहाँ अब उसको एक जगह साके रहना था। उतर कर जहाँ
जहाने मकाफात में रही जिंदगी मौत की घात में, मजाक दोई से बनी जौज जौज, उठी दश्त कोहसार से फौज फौज। यानी मजाक दोई यानी खूबसूरती के लिए, जिंदगी के खूबसूरती के लिए जौज जौज हर चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने जोड़ा जोड़ा बना दिया है, और इसी दश्त से, इसी बियाबान सहरा से, इसी कोह कोहसार से पूरी फौज की फौज उठ रही है। गुल उस शाख से टूटते भी रहे, उसी शाख से फूटते भी रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दुनिया में गोया चल चलाओ का सिलसिला लगा हुआ है। समझते हैं नादा इसे बेसबात, करता है मिट मिट के नक्शे हयात। लोग समझते हैं कि ये बेसबात है, लेकिन एक नक्श अगर मिट रही है तो दूसरा नक्श क्या होता है, फ़ौरन उसी की जगह पे उभरने लगता है। बड़ी तेज़ी झूला बड़ी जूद रस, अजल से अबद तक रम रम एक नफस, ज़माना के जंजीर अयाम है, दमों के उलट फेर का नाम है। कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये ज़माना ख़त्म हो रहा है, और ये एक दिनों की जो कड़ी है ना, इसी का नाम ज़माना है, और इसी के उलटने फिरने से क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी उसका घड़ी जो है बाकी है। अब कहते हैं खुदी पे, अल्लामा इकबाल खुदी पे कलाम करते हैं, और खुदी के बारे में कहते हैं कि ये मौज नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है तलवार, खुदी क्या है रासे दरूने हयात, खुदी क्या है बेदार ये कायनात, खुदी जलवा बदमस्त व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बद। अब बता रहे खुदी की तशरीह, खुदी की तारीफ, खुदी की पहचान बता रहे। खुदी क्या है, खुदी ऐसा है कि तलवार पे तलवार है और उस पे धार नहीं है, तो वो इंसान की ज़िंदगी है, लेकिन जिस तलवार पे धार भी लगा दिया जाए तो वही अंदर अगर धार पैदा हो जाए, इंसान साकिन है, ठहरा हुआ है एक जगह, साबित कदम है, तो फिर वो इंसान उस कुंद तलवार की तरह है जिससे कुछ भी नहीं किया धार डाल दिया जाए, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, उसमें चार चांद लग जाता है, वो जिसका चाहे सर कलम कर दे, जिससे चाहे वो टकरा जाए, जिससे चाहे वो मुकाबला आरई कर ले। तो वही है खुदी की, जब इंसान के अंदर खुदी उभर जाता है तो वो किसी से भी टकरा सकता है, चाहे वो साहिल हो या समंदर हो या कोह हो या दश्त हो, कहीं भी वो अपना सर टकरा सकता है और जीत सकता है। जिस तरह के गज़वे बदर में 300 सहाबी जो है जीत जाते हैं कुफार के एक बड़े जमगत्थे के सामने, तो इसी तरह से खुदी जब इंसान का जाग जाए ना, इंसान छोटे से छोटा भी इंसान क्या है, बड़ा बड़ा काम अंजाम दे सकता है। ये मौज नफस क्या है, तलवार है, ये नफ्स का जो मौज सांसों का सिलसिला चल रहा है, मौज रवा है, ऊपर नफस मने सांस, ये जो रवा दवा है, तो ये क्या है, तलवार है, और खुदी क्या है, इस तलवार की धार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात, ज़िंदगी का असल मकसद है। खुदी क्या है, बेदारी कायनात है, कायनात को बेदारी करने का आला है। खुदी जलवे बदमस्त व खलवत पसंद है, समंदर एक बूंद पानी में बंद है। खुदी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पूरा समंदर को एक बूंद पानी के अंदर अगर कैद कर दिया जाए तो उसकी जो तारीफ बनती है वही खुदी की तारीफ होगी। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मन वो तू पैदा मन वो तू से पाक, असल उसके पीछे अबद सामने, न हद उसके पीछे न हद सामने, ज़माने के दरिया में बहती हुई सितम उसके मौजों की सहती हुई, तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई। कह रहे हैं कि अंधेरे उजाले में है भी वो ताबनाक है, और मन वो तू मुझसे और तुझसे पैदा है, और मन वो तू से पाक भी है, खुदी हमसे और आपसे भी है, लेकिन इससे भी पाक होकर के एक आला शय हो जाती है, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। अजल उसके पीछे अबद उसके सामने, नहद उसके पीछे नहद उसके सामने, यानी खुदी एक ऐसी शय है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। ज़माने के दरिया में बहती हुई सितम उसके मौजों की सहती हुई, खुदी क्या करती है, मौजों की का सितम सहती हुई ही आगे बढ़ती है। जब भी काम आप कोई करेंगे, अहम काम अगर उसको खूबी के साथ करना है, अच्छाई के साथ करना है, कमा हक़ उसको करना है, तो उसमें आपको बहुत सारे परेशानियाँ बहुत सारी तकालीफ सहनी पड़ेगी। तो सितम उसके मौजों की सहती हुई, तजस्सुस की राहें बदलती हुई, और तजस्सुस के लिए मुख्तलिफ़ राहें तलाश करती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई, दमादम यानी अचानक। सुबुक उसके हाथों में संगे गिरा है, सुबुक हल्का, उसके हाथों में एक भारी से भारी पत्थर भी, जो जिसके अंदर खुदी है ना, तो खुदी जिसके अंदर समा गया है, जाग गया है, जिसको अपने आप की पहचान हो गई है, तो भारी से भारी मुश्किल से मुश्किल पत्थर जो भी है वो भी क्या है, उसके हाथ में सुबुक है, हल्का है। पहाड़ उसके ज़रबों से रेगे रवा है, और पहाड़ भी उसके चोट से चूर चूर है। सफ़र उसका अंजाम आगाज़ है, यही उसकी तकवीम का राज है। सफ़र क्या है, उसका अंजाम और आगाज़,
आगाज है, वहीं से उसका शुरू होता है, वहीं उसका इंतहा होता है। यानी सफ़र से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, सफ़र पे ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। यही इसके तकवीम का राज है, हमेशा कायम रहने का राज है। किरण चांद में है शरर संग में, ये हाँ किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। कह रहा है कि चांद में जो किरण नज़र आ रहा है और पत्थर में जो शरर नज़र आ रहा है शरारा, ये बेरंग है रंग में डूब कर, यानी इसमें जो रंग है ना ये सब उसी खुदी का जलवा नुमा है। इसे वास्ते क्या कमो बेश से नशीबो फराज बसो पेश से, अज़ल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खा के आदम में सूरत बज़ीर। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँखों के तिल में है। कह रहे हैं कि खुदी का नशेमन जो है इसी के वास्ते हर चीज़ में नशेबो फराज है, पशो पेश है, आगे पीछे ऊँचाई नीचाइए जो कुछ है सब खुदी के वजह से ही है, और इसी की वजह से लोग कश्मकश के असीरी में कैद हैं शुरू से ही, और इसी वजह से खुदी के वजह से ही आदम जो है सूरत पजीर हुए, दुनिया में आए। और खुदी का नशेमन कहाँ है, इस तरह तेरे दिल में है जिस तरह से कि आंखों में एक तिल होता है। खुदी के निगहबां को जहर ना बहे, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आब, वही ना उसके लिए अर्ज में गर्दन बुलंद। खुदी फाल महमूद से दर गुजर, खुदी पर निगह रख अयाजी न कर, वही सजदा है लायक एहतमाम के हो जिसे हर सजदा तुझ पे हराम। कह रहे हैं कि खुदी तेरा निगहबान है हर जहर नायक जो महंगी मोती है, और वो ना जिससे रहती है उसकी आप, ये सब कुछ किसकी वजह से है, खुदी की वजह से। वही इंसान को बाइज्जत बनाती है और उसी की वजह दुनिया में गर्दन बुलंद रहती है, और इसी के वजह से तू अयाजी न कर ज़्यादा, इसलिए कि अगर जिसने खुदी के आगे, खुदी जिसके अंदर जाग जाएगी तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसी ज़ात के आगे सर झुका देगा कि उसके बाद किसी और के पास सर झुकाने की उससे तवक्को नहीं की जा सकती है। जिसका सर खालिक के आगे झुक गया तो अब वो सर किसी के आगे नहीं झुकेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसको खुदा पे कामिल यकीन हो जाता है तो वो एक इंसान है ना कि खुदा के सामने भी सर झुका रहा है, ज़रूरत पड़ने पे लोगों पे के सामने भी सर झुका रहा है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन एक इंसान है ना, उसने खुदा पे इस तरह से तवक्कल कर लिया है, इस तरह से भरोसा कर लिया है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने मांगा है तो वो दे कर रहेगा, मुझे दर बदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो सर जो खुदी जिसके अंदर है, वो सर अगर खालिक के सामने झुक गया है तो वो गैर के सामने झुकने से महफूज हो गया है। चलिए उसके बाद, ये आलम ये हंगामा रंग व सूरत, ये आलम के ज़ेर फरमान मौत, ये आलम ये बुतखाना चश्म गोश, जहाँ ज़िंदगी है फ़कत खुर्दोनोश। कह रहे हैं कि ये आलम ये हंगामा ये सारा कुछ है सिर्फ एक फरमान के मौत के लिए, और ये आलम ये बुतखाना चश्म गोश है जिसकी आँखें हैं ये सुन रहा है, और इसमें ज़िंदगी के जहाँ में क्या है इंसान के लिए, फ़कत खाना और पीना, खुर्दोनोश खाने पीना रह गया है। खुदी की ये मंजिल अव्वलीम मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाक दां से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं। कह रहे हैं कि खुदी की ये मंजिल अव्वली है, कोई ये तेरा हमेशा का ठिकाना नहीं है, और इस खाक से तेरी आग बल्कि जिंदा है, लेकिन जहां तेरे लिए है तू, हाँ जहाँ तेरे लिए है तू जहाँ के लिए नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़, दुनिया की हर एक शय, कायनात का हर ज़र्रा हमने किसके लिए बनाया, इंसानों के लिए बनाया है, और इंसान को किसके लिए बनाया है तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया है। तो उसी आयत की यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे हैं कि जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। बढ़े जा ये कोहे गेड़ कर, बढ़े जा ये जो रास्ते में सख्त भारी भरकम जो पहाड़ है उसको तोड़कर, तिलिस्म ज़मानो मका तोड़कर, ज़मानो मका का जो जादू है उसको तोड़कर बढ़े जा। खुदी शेर मौला जहां उसका सैद है, ज़मीं उसकी सैद, आसमां उसका सैद है, जहां और भी है अभी बेनमूद के खाली नहीं है ज़मीर वजूद। खुदी यानी जो जिसके अंदर खुदी आ गया तो उसका क्या है, सैद कौन है, उसका खुदा सैद हो जाता है, और ये ज़मीन और आसमां सब उसके हो जाते हैं, और जहाँ और अभी और भी है बेनमूद जो तुमको नहीं दिख रहा है। जब खुदी आ जाएगा ना तो कुछ और भी शय दिखने लगेगा जो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, कि खाली नहीं ज़मीर वजूद, वजूद का जो ज़मीर है वो खाली नहीं। हर इंतज़ार तेरे यलगार का, तेरी शोख ये फिक्र किरदार का, यह है मकसद गर्दिश रोज़गार का, कि तेरी खुदी तुझ पे हो आशकार। यही मकसद है गर्दिश रोज़गार का, यानी
सुबह शाम के गर्दिश का, रोज़ाना दिन के अलटने पलटने का यही गर्दिश है कि तेरी खुदी तुझ पे वाज़े हो जाए। तू है फातह आलम खूब जिश्त, तुझे क्या बताऊँ तेरी सर नविश्त। हकीकत पे यह है जामे हर्फ तंग, हकीकत है आए इने गुफ्तार जंग। फरोज़ा है सीने में शमए नफस, मगर ताब गुफ्तार रखती है बेबस। कह रहे हैं कि तू फातह आलम है इस पूरे जहाँ, तुझे क्या बताऊं कि तेरे हैसियत क्या है, तेरे ही लिए तो ये सारा आलम है, तू ही इसका फातह है, तू ही इस पर काबिज। हकीकत में जामे हर्फ तंग है, हकीकत में ये है कि जो लफ्ज़ मैं इनके लिए तख्लीक करूं वो लफ्ज़ तंग पड़ जाएंगे, और जिस आईने पे इसका नक्श उभारूं वो उस पर जंग लग जाएगा, लेकिन हर जो नफस है उसमें शमा किसका जल रहा है, खुद ही का जल रहा है। अगर एक सर मुँह बढ़तर फरोग़ तजल्ली बसोज़े परम। अब यहाँ पर एक दूसरा वाक़या ज़िक्र कर दिया गया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शब हज़रत जिब्राइल अमीन ले कर करके जाते हैं वो ज़ियारत के लिए मेराज पर खुदा से मिलवाने, तो एक जगह है वहाँ जा कर के कह देते हैं तो सिदरतुल मुंतहा कि अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, अगर इससे आगे हम एक कदम भी रखेंगे तो मेरा पर जल जाएगा। तो उसी वाक़े को इन्होंने शेर में ढाला है कि अगर एक सर मुए बढ़तर परम फरोगे तजल्ली बसोज़े परम, कि अब थोड़ा सा एक कदम भी हम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा पर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उसके बाद अब हमको दूसरी नज़म, चूँकि पढ़ना बहुत है इसीलिए बहुत ज़्यादा तशरीह में नहीं पढ़ रहे हैं, ज़ौक़ो शौक़ पढ़ना है, लेनिन खुदा के हुजूर में पढ़ना है, फिर उसके बाद जोश मरी आबादी पढ़ना है, फिर उनकी तीन नज़मों को पढ़ना है। सिलेबस तो माशाल्लाह आपका सिलेबस ही है नेट TRF का, जितना भी पढ़ा जाए कम ही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तशरीह में नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार आपको उसका वाज़े मज़मून समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और शेर आपके नज़रों से गुजर जाए कि हाँ अगर आए तो पता चले कि ये इस नज़म का हिस्सा हो सकता है, तो ये चीज़ है सामने रखते हुए अभी इबारत आरई की जा रही है। चलिए ज़ौक़ो शौक़ भी बाले जिब्रील में शामिल, जैसा कि हमने कहा था कि ज़रबे कलीम ये शुआए उम्मीद ये ज़रबे कलीम में है, बाकी सब बाले जिब्रील में है, तो ज़ाहिर है कि ज़ौक़ो शौक़ भी कहाँ होगा, बाले जिब्रील में होगा। ज़ौक़ो शौक़ के अक्सर अशआर फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं, और इसमें क्या कह रहे हैं, जब यहाँ तक है कि उनका नज़रिया चेंज हो गया था उसी हिसाब से इन्होंने इस नज़्म की तख्लीक की है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। फ़ारसी का ये शेर है शेख सादी का कि दरेग आमदम जा हमा बोस्ता तही दस्त रफ्तन सूए दोस्ता, कि अगर मैं बाग में आया हूँ और ख़ाली हाथ आया हूँ तो कैसे अपने दोस्त के पास जाऊँ, यानी मुझे अपने दोस्त के पास अगर बाग में मिलने आना था तो मुझे साथ कुछ तोहफ़ा तहाइफ लाना था। चलिए अब अगला मिसरा देखते हैं। कल्बो नज़र की ज़िंदगी दश्त में सुबह का समा, चश्मे आफ्ताब से नूर की नदियाँ रवां। कह रहे हैं ना कि दश्त में जो सुबह का समा है, यानी के वादियों की तारीफ कर रहे हैं, उसके हुस्न की खूबियाँ बयान कर रहे हैं के फ़िलिस्तीन के सहरा में उसके दश्त में इस तरह सुबह का समा होता है, जैसा कि ऐसा महसूस होता है कि कल्बो नज़र में ज़िंदगी पड़ गई है, और आफ्ताब की जब किरणें चारों तरफ बिखर जाती है तो ऐसा लगता है कि नूर की नदियां रवा हो गई हैं। उसने अज़ल की है नमूद चाक है पर्दे वजूद, दिल के लिए हज़ार सूद एक निगाह का ज़िया। सुर्ख कबूद व बदलियां छोड़ गया सहाब शब, कि कोहे अज़म को दे गया रंग तिल सा। कह रहे हैं ना कि हुस्न अज़ल की नमूद चाक पर्दा वजूद, कि अज़ल का जो हुस्न है ना वो पर्दा को चाक कर करके ज़ाहिर हो जाए, और दिल के लिए हज़ार एक निगाह है जो उसको बर्बाद कर देती है। और सुर्ख व कबूद, कह रहे हैं कि जो सुर्ख मन लाल और कबूद मन नीला, तो ये जो नीली और सुर्खी बदलियां जो शब छोड़ के गया है, ये कोहे अज़म, ये मक्का के आसपास में एक पहाड़ है उसका तस्करा है पे कि कोहे अज़म को देगा रंग बरंग तिलसा, कि ये कोहे अज़म को क्या देगा, इसकी वजह से ये जो सुर्ख और नीली जो रंगे बिखरी हुई हैं बादलों की, ये ऐसा लग रहा है ना कि कोहे अज़म पर एक चादर है जो धीरे से उसको चाक किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। गर्द
हवा गर्द से पाक है हुआ बरगे नखील धुल गए हुआ है या हवा है एक सेकंड गर्द से पाक है हवा शायद कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हवा है या हुआ है तो गर्द से पाक है गर्द से पाक है हवा बरगे नखील धुल गए यानी गर्द से हवा पाक है उसमें कोई धूल कण नहीं है और बरगे नखील यानी खजूर के दरख्त के पत्ते भी धुल गए हैं बारिश की वजह से रेगे नवाह काजिमा नरम है मिसले परनिया और ये जो इस रेगिस्तान के जो ज़र्रात हैं वो ऐसे हो गए हैं सुबह की रोशनी की वजह से जैसे लगते हैं कि हरीर है नरम नाजुक हरीर यानी रेश उस तरह से नरम हो गए हैं आग बुझी हुई इधर टूटी हुई तनाब इधर क्या खबर इस मकाम से गुजरे हैं कितने कारवां ये हवा है या हुआ है ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है तो कह रहे हैं आग बुझी हुई इधर टूटी हुई तनाब इधर क्या खबर इस मकाम से गुजरे हैं कितने कारवां अब कह रहे हैं कि आग इधर चूंकि फिलिस्तीन का मामला कुछ ये है कि सदियों से उस पर हमला हो रहा है लोग उसे परेशान कर रहे हैं न जाने कैसे कैसे हालात से वो दो चार हो रहा है तो कह रहे हैं आग बुझी हुई है इधर और तनाब टूटी हुई तनाब इधर है यानी जोखमे का रस्सी होता है उसको कहते हैं तनाब तो आग बुझी हुई है गोया कि अभी अभी कोई यहाँ से काफिला रवा हुआ है और खीमे की रस्सी भी टूटी हुई है क्या खबर इस मकाम से गुजरे हैं से गुजरे इसकी कोई खबर ही नहीं यानी यही तो ऊपर से जिब्रील की सदा आती है कि तेरा मकाम यही है और जो अहले फुरकत हैं उनके लिए ऐशे दवाम भी इसी में है किससे कहूँ जहर है मेरे लिए मैं हयात कोहना है बस में कायनात ताज़ा है मेरे वारदात किससे कहूँ कि जहर है मेरे लिए मैं हयात यानी जो आबे हयात है ना वो जहर है कहूँ कोहना है बस में कायन कोहना मतलब पुरानी कायनात के जो रिवायात हैं वो बिल्कुल पुराने पड़ गए हैं जबकि मेरे ख्यालात नए हैं अब इसकी वजह से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं अपने नए ख्यालात को पुराने रिवायात के साथ किस तरह से तालमेल बिठा करके रखूं क्या नहीं और गजनवी कार गए हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमनाथ में कहते हैं क्या नहीं है ज़िंदगी के कारखाने में कि कब से जो है अहले हरम में लोग बैठे हुए हैं सोमनाथ समझ के ज़िक्र अरब के सोज में फ़िक्र आजम के साज में ने अरबी मुशाहदात ने अजमी तखयलात में ये सब इसी सोजो साज में बैठे हुए हैं न अरबी का कोई मुशाहदा है न कोई आजमी का तखयलात है काफले हिजाज में एक हसीन भी नहीं एक हुसैन भी नहीं ताबदार अभी गैस हुए दजला व फुरात में कहते हैं कि ये जो हिजाज से काफिला आया है ना इसमें हुसैन जैसा मोहम्मद के नवासे जैसा कोई भी नहीं है गरचे अभी भी दजला के गेसुओं में कुछ ताब बाकी है अक्ल व दिल व निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क ना हो तो शर व दीन बुतकदा है तसव्वुरात कह रहे हैं सारे चीज़ों का जो असल है ना वो इश्क है और वो इश्क कैसा इश्क हकीकी अगर इश्क ना हो तो ये शर और ये दीन ये बुतकदा ये सब तसव्वुरात बन के रह जाएं सिदक़े खलील भी इश्क सब्र हुसैन भी जूद में बद्र हुनैन भी इश्क ये शेर बहुत अहम है इसलिए आप लोग याद रखिएगा किसका है तो ज़ौक़ व शौक़ का है कहीं आ जाए तो आपको पूछा जा सकता है कि ज़हल में से ये किस उन्वान के तहत ये शेर पेश किया गया है आए कायनात का आया यानी आयत से बना है आया आए कायनात का माना देर बा देर याब तू निकले तेरी तलाश में काफला हाय रंग बू जो निशानियाँ खुली हुई हैं इसी में खिली हुई हैं इसमें बहुत सारी कायनात में जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी निशानियाँ पड़ी हुई हैं और इसी के तलाश में तरह तरह के काफिला रंग और बू बदल के निकल रहे हैं जलोतियाँ ने मदरसा कोर निगाह व मुर्दे जलोतियाँ ने मैं कदा कम तलब व तही कदू कह रहे हैं कि ये जो मदरसे में असातिज़ा बैठे हुए हैं ना ये भी कम ज़ौक हैं इनको भी वो ज़ौक नहीं रहा बस इल्म से ताल्लुक़ नहीं है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई में नहीं उतरते बस जो इनके सामने आ गया है उसी को पढ़ा के सरसरी निगाह से चले जाते हैं और जो मैं कदे में बैठे हुए हैं जो लोग वो भी क्या है वो भी कम ज़र्फ़ हैं कम ही पे क्या है राज़ी हैं चलिए आज़ान हो रही है कुछ देर बैठ कर लेते हैं
पहले कहा कल का बाकी था। चलिए अजान ख़त्म हो चुकी है। चलिए तो यहाँ से बाकी है कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुजश्त खोए हुओं की जस्तजू। ये जो मेरी गज़ल है ना, इसमें जो आग शोला भड़क के ख़त्म हो चुका है उसका भी सुराग मिल जाएगा, और मेरी सरगुजश्त है, किस्सा है, कहानी है, इसमें खोए हुए लोग शख्सों की अशखास की जस्तजू भी में मिल जाएगी। बादे सबा की मौत से नशो नुमाए खार व खस, बादे सबा सुबह की हवा से की मौत से सारी चीज़ों को ज़िंदगी मिल जाती है, चाहे वो खार हो, खस हो यानी कांटा हो, उस घास फूस हो, जो भी हो, उसको एक नशो नुमा मिल जाता है। मेरे नफस की मौत से नशो नुमाए आरजू, और मेरे नफस यानी मेरे सांस की मौत से हर आरजू को नशो नुमा मिल जाता है। खूने दिलो जिगर से है मेरी नवा की परवरिश, ये दिल और जिगर के खून से ही मेरी सदा की परवरिश होगी, क्योंकि जब तक इंसान की आवाज़ से सिर्फ कुछ नहीं होता, उसमें अपना खूने जिगर सर्फ करना पड़ता है, तभी उसमें क्या होगा, जान पैदा होगी। है रगे साज में रवा साहिब साज का लहू, लहू तो यानी ये जो रगे साज है ना, उसमें लहू जो है रवा दवा है। फुर्सत कशमकश में ईं दिल बेकरार रहा, यक दो शिकन ज़्यादा किन गेस हुए ताबदार रहा, कि कशमकश के फुर्सत में जो ये है दिल बेकरार है और गेसुओं में एक दो शिकन से ज़्यादा ताबदार है यानी घुमाओ है। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद लौह तख्ती, लौह भी तू यानी जिस पे लिखा जाए, कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब गुम्बद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब, यानी सब कुछ तू ही है और तेरे ही लिए सब कारवां है। आलम आब खाक में तेरे जहूर से फरोग, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, यानी ये आलम आब खाक में तेरे ही जहूर से क्या है, फरोग है, तरक्की याफ्ता है। जर्रे रेग को, रेगिस्तान के जर्रे को किसने दिया तुलुए आफ्ताब, यानी उसको चमक आफ्ताब की किसने दी, तूने दी। शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, संजर और सलीम ये सलीम तुर्की के कोई बड़े शख्सियत थे, और संजर भी ये भी कहीं के थे, अभी जहन में नहीं आ रहा, दिन में मुताला किया था तो था, तो संजर और सलीम ये कोई बड़ी हस्ती हैं, तो इनकी शौकत और जाहो जलाल भी तेरे वजह से ही है। फ़क्रे जुनेद व बायजीद तेरा जमाल है बेनकाब, और ये सब भी तेरे ही जमाल की वजह से है। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, कहते हैं कि अगर नमाज तो पढ़ें लेकिन उसमें तेरा शौक़ पैदा ना हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर ये जो मेरा क़याम है ये भी बेकार है, हिजाब इसमें भी है और मेरे सुजूद में भी। पा गए अक्ल गयाब व जस्तजू इश्क हुजूर व अस्तराब, और तेरी ही निगाह नाज से इन दोनों को मुरादें मिली हैं, चाहे गायबाना अक्ल हो या जस्तजू हो हुजूर पाक के तलाश की बेचैनी की। तीरा व तार से जहाँ गर्दिश, तीर व तार है जहाँ गर्दिश आफ्ताब से ताजा कर जलवे बेहिजाब से, कह रहे हैं कि ये जो तारीकी है ना, और जहाँ की गर्दिश जो है आफ्ताब से ही थी, लेकिन अब सब सुस्त पड़ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये जलवा बेहिजाब हो चुका है। तेरी नज़र में है तेरे तमाम मेरे गुज़िश्ता रोज़ बेरतब, तेरी ही नज़र में मेरे सारे जो है आमाल हैं रोज़ो शब, गुज़िश्ता रोज़ो शब यानी पिछले सारे आमाल तेरे नज़र में मेरे हैं, उसको पेश करने की ज़रूरत नहीं, और मुझको ये ख़बर न थी कि तू तेरे अंदर सारा कुछ जो तख़य्युल का इल्म बेरतब यानी ताज़ा मेरे ज़मीर में मार कहे कोहन हुआ, इश्क़ तमाम मुस्तफ़ा अक़ले तमाम बूलहब हुआ, कहते हैं कि ताज़ा मेरे ज़मीर में मार कहे कोहन हुआ यानी ये सारा राज मेरे ज़मीर में ताज़ा हुआ। अगर मुस्तफ़ा का इश्क है तो यही असल में इश्क है, यही सब कुछ है, वरना तो अबू लहब के अक़ल से क्या होने वाला है, जो अक़लमंदी दिखाता है गोया कि वो अबू लहब की तरह है, यानी
अकलमंदी से मतलब यहाँ पे हीला। गाहे बहीला मी बर्दगाह बजोर मी कशद इश्क की इब्तिदा अजब इश्क की इंतहा अजब। ये जो इश्क है ना ये मुख्तलिफ तरीक़े से इसकी इब्तिदा और इंतहा होती है। आलम सोज़ साज़ में वसल से बढ़कर है फिराक वसल में मर गए आरज़ू हजरत में लज़्ज़त तलब। और कह रहे कि ये सोज़ साज़ जो है वसल से बढ़कर फिराक में है क्योंकि उसी में असल जुदाई के में ही महबूब को मज़ा आता है। ऐन विसाल में मुझे हौसला नज़र न था गरचे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। कह रहे उस वक्त मुझे कुछ हौसला नज़र न था कि मैं ताब ला सकूं जी भर के देख सकूं। बाद में काश वक्त मिलता और मैं जी भर के देख सकता। गर्मी आरज़ू फिराक शोरिश हाय वहो फिराक मौज की जस्तजू फिराक कतरे आबरू फिराक। कह रहे हैं कि सब कुछ फिराक में ही है, चाहे वो मौज की जस्तजू हो या कतरे की आबरू हो या गर्मी का आरज़ू हो, सब फिराक में ही है। अब चलिए अगली नज़्म है लेनिन खुदा के हुजूर में। और जैसा कि अल्लामा इकबाल का तर्ज है कि कभी इबलीस की ज़बान इस्तेमाल करते हैं ताकि बात मुअस्सर हो जाए, कभी जिब्रील की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो कभी नेपोलियन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो कभी लेनिन का, तो कभी कार्ल मार्क्स का, तो ये बात को अपने तासीर देने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो कुछ कर गई है जहाँ में उसकी ज़बान तर्ज को अपनाते हुए यहाँ लेनिन को लाएंगे सामने और उसकी ज़बान से खुदा के जो है सामने कुछ कहलवाएंगे ताकि बात मुअस्सर हो जाए। चलिए लेनिन खुदा के हुजूर में भी बाले जिब्रील में शामिल है, बताया जा चुका है। यह नज़्म इकबाल के फ़लसफ़े हयात मुताले तारीख़ और तजिए सियासत की तर्जमान है। यानी उन्होंने भी फ़लसफ़े हयात था और तारीख़ का मुताला था और सियासत का तजिया था, सब कुछ क्या है इसी नज़्म में शामिल है। चलिए देखते हैं। ए अनफ़ुस आफाक में पैदा तेरी आयात हक ये है कि जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। ए अनफ़ुस आफाक में आफाक कहते हैं दुनिया के कोने को, उफुक किनारा कहते हैं, उसी की जमा है आफाक है जिसका मतलब सांस होगा। तो ये सारा जो है नफ्स चल रहा है, चाहे ये दुनिया का किनारा है पूरे आफाक यानी पूरी दुनिया इससे मुराद हो जाएगा। दुनिया का दोनों किनारा मिलकर क्या बन जाएगा, आसमान का दोनों किनारा मिलकर के पूरी दुनिया बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो नफ्स है और ये जो पूरी दुनिया है इसमें जितनी चीज़ें हैं वो तेरी निशानी जिंदा और पाइंदा है। जिंदा हमेशा जिंदा रहने वाली और पाइंदा मतलब हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की ज़ात है। मैं कैसे समझता कि तू है या नहीं है, हरदम मुतगैर थे खिद के नज़रियात। मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं, चूँकि लोग मुख्तलिफ ज़माना में मुख्तलिफ किस्म के हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो थाउट पेश कर रहे हैं, नज़रिया लोगों के चेंज हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा कि मेरे भी ख्याल मुतज़ल्ज़ल होने लगे, मतलब हिलने लगे कि पता नहीं तू है भी कि नहीं है। महरम नहीं फितरत के सरूद अज़ली से बीनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात। कहते हैं कि फितरत के सरूद अज़ली से कोई महरूम नहीं हो सकता, चाहे वो नजूमी हो चाहे कोई नबातात का बहुत बड़ा दाना हो, सबको फितरत की ज़रूरत है। आज आँख ने देखा है तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात। आज जब आँख ने मुशाहिदा कर लिया है चीज़ों का तो समझ में आ गया है कि हाँ जहाँ हम बंदे शब व रोज़ में जकड़े हुए बंदे तो खालिक आसार व निगार आनात। कह रहे कि हम शब व रोज़ के जाल में फंस कर रह गए हैं और तू खालिक है जो हम गुनहगारों को माफ़ करने वाला है। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूँ, हल न कर सके जिसको हकीमों के मकालात। कह रहे हैं अल्लाह के जो लेनिन है वो खुदा के सामने अर्ज कर रहे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बादब एक बात पूछ सकूँ जिसको बड़े से बड़े हकीम जो है उस हकीमों के मकालात भी जो है वो भी उसको उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। जब तक मैं जिया खीमे अफलाक के नीचे, फलक की जमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। जब इंसान के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो जब तक उसको पूछ नहीं लेता है उसके दिल में खटकते रहता है। तो कह रहे कि जब इस आसमान के खीमे के नीचे यानी जब इस दुनिया में मैं जब तक जिया तब तक कांटे की तरह ये चीज़ें जो है मुझे परेशान करते रही कि दिल में खटकते रही। गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। गुफ्तार
बात करने के जो सलीके पे है इंसान को काबू नहीं रहता। जब इंसान के दिमाग में एक साथ बहुत ज़्यादा ख्यालात भर जाते हैं ना, तो लगता नहीं है कि किस टाइप से उसको पेश करें, कैसे उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो ये गुफ्तार के उसलूब पे इंसान को उस वक्त काबू नहीं रहता है। वो कौन सा आदम है तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी जो है ज़ेर समावात, वो कौन सा आदम है जिसका तू माबूद है, ये वही आदम है क्या जो ज़मीन के नीचे, जो ज़मीन पे उतार दिया गया था आसमान से, ये वही आदम है। मशरिक के खुदावंद सफ़ीदान फरंगी, मगरिब के खुदावंद दरख्शंद फलजात, यूरोप में बहुत रोशन इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्म हैवान है ये जुल्मात, राना ये तामीर में रौनक में सफ़ा में, गर्जों से कहीं बढ़कर बंकों की इमारत। कह रहे हैं ना कि मशरक में बहुत सारे फिरंगी हैं, लेकिन मगरिब में भी जो है ऐसा नहीं है कि खुदा की ज़ात नहीं है। और ये मैंने माना कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, लोग बहुत कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है वहाँ, बहुत ज़्यादा साइंस है, बहुत ज़्यादा वो डेवलप कंट्री है, सब कुछ है, लेकिन वो एक ऐसे हैं जैसे कि तारीकियों में रहने वाले हैवान दरिंदे। राना ये तामीर में रौनक में सफ़ा में, गर्जों से कहीं बढ़कर बंकों की इमारत, चाहे उनके अंदर कितनी भी खूबसूरती आ जाए लेकिन वो असल में ज़िंदा नहीं है। जाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक लाखों के लिए मर्ग मफाजात। कह रहे हैं सूद के नुकसान को बता रहे हैं कि ज़ाहिर में तो लगता है कि लोग कहते हैं इससे नफ़ा उठाना चाहिए, लेकिन असल में ये क्या जुआ है और बहुत सारे लोगों के लिए मर्ग का सबब बन जाता है। मर्ग मफाजात, अचानक आने वाली मौत, ये सब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, अलामत से, वो अलामत से काम ले रहे हैं। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं वो देते हैं तालीम मुसावात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये सब कुछ जो पेश जा रहा है ना कि मुसावात होना चाहिए, लड़की लड़कियों में मुसावात होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये सब क्या करते हैं, लहू पीते हैं और फिर मुसावात का हक देते हैं। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने जो कहा है कि जायदाद में लड़कों का दो हिस्सा होगा, लड़कियों का एक हिस्सा होगा, तो ऐसा नहीं कि लड़कियों पे जुल्म किया है। लड़कियों का एक हक उनके ससुराल में भी बनता है और वहाँ उनको दो हिस्सा मिलता है, यहाँ एक हिस्सा मिलता है, तो बात बराबर हो जाती है। इसी तरह से जहाँ पे भी है, इस्लाम ने जो इज़्ज़त औरतों को बख्श दी है वो कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन लोग ये बदनाम करते हैं ना कि इस्लाम में औरतों को दबाया गया है, ऐसे किया गया है, वैसे किया गया है, और फिर कहते हैं कि हम मगरिब वाले जो हैं मुसावात देते हैं, बराबरी देते हैं, अदल इंसाफ देते हैं, रिज़र्वेशन देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ आपको एक छलावा है, आपके लिए एक जो है साजिश है, जिसके तहत बहुत सारी लड़कियां फंस जाती हैं। लेकिन वो गहराई से जब इस्लाम का मुताला करें तो इस्लाम इतना खूबसूरत है और इसने इतने औरतों की बातें मानी हैं, इतने औरतों के हकूक की रियायत की है कि उतना कोई दूसरा मजहब नहीं दे सकता। बेकारी व उरियानी व मैखारी व अफलास, क्या कम है फिरंगी मदनीयत के फतूहात। कह रहे हैं कि ये फिरंगी मदनीयत की वजह से ही बेकारी है, यानी मशीनें हर जगह काबिज़ हो गई हैं, उरियानी भी है, मैखारी भी है, अफलास भी है, गरीबी भी तो इसी वजह से हो रही है। जब मशीन ही वर्क करेगा तो इंसान कहाँ जाएगा। तो क्या ये जो फरंगी मदनीयत की, फिरंगी शहरों की कुछ क्या कम फतूहात है। वो कौम के फैज़ान समावी, महदूस के कमालात की बर्क बुखारात, जो खुदा के तालीमात से महरूम हो जाए तो उसकी हद यही है कि उसको क्या मिल सकता है, बस यही बर्क बुखारात, यानी वो आबो गिल और जो है बर्क बुखारात, बिजली और उसके भाँफ तक ही वो महदूद रह सकता है। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आला। कहते हैं दिल के लिए जो ये मशीनों की हुकूमत है, ये मौत है, जो आज मशीनी दौर हो गया है ना, इंसान सिर्फ मशीनों के पीछे भाग रहा है, तो ये सब इंसान जो है ये आलात इंसान के एहसास को कुचल के रख देते हैं। आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं, आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। आसार ये कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं और तदबीर को तकदीर के शातिर ने क्या किया है, मात दे दिया है। मैखाने की बुनियाद में आया है तजल्जुल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीरा खराबात। और मैखाने की बुनियाद में भी क्या हो गया, तजलजुल आ गया, इसी फिक्र में जो है कुछ वीरान लोग जो बूढ़े पड़े हुए थे वो बैठे हुए हैं। चेहरों पे जो सुर्खी नज़र आती है, सरे शाम ये गाजा, ये सागर व मीना की करामात, ये सब किसके हैं, सागर व मीना के करामात हैं। तो कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदे मजदूर के औकात। अब यहाँ पर बात आ जाएगी त
तरक्की पसंद वाला रुझान आ जाएगा, वो फलसफा आ जाएगा कि तू कादिर व आदिल है लेकिन तेरे यहाँ बहुत सारे मजलूम भी हैं, यानी सरमाया परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज़ मकाफात, यानी कब ये सब ख़त्म होगा, जो है ज़मींदारों की जो है हुकूमत कब ख़त्म होगा और आवाम को कब इंसाफ मिलेगा, दुनिया इसी फैसले के लिए मुंतज़िर है। और इस तरह से इकबाल की सारी नज़में ख़त्म हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जोश मली आबादी को और उनकी नज़मों को, चलिए देखते हैं। ये तो जोश मलिहाबादी, इनका नाम क्या था, शब्बीर हसन खान था, और इब्तदाई तखल्लुस ये शब्बीर करते थे, बाद में इन्होंने बदलकर जोश रख लिया था, जिस तरह हाली ने खस्सा रख लिया था, गालिब ने असद से गालिब कर लिया था, अनीस ने हजी से अनीस कर लिया था, तो उसी तरह ये भी शब्बीर हसन खान इनका नाम था, इब्तदाई तखल्लुस भी ये शब्बीर ही करते थे, बाद में इन्होंने जोश रख लिया था बदल के। इनके वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान था और दादा इनके मोहम्मद अहमद ख़ान थे, जो साहिब दीवान शायर थे और मखज़नुल आलाम इनके दीवान का नाम है। इनके परदादा जो थे फ़कीर मोहम्मद गोया थे और नासिख के शागिर थे, उनका मजमुआ जो है कलाम ये दीवान गोया है, उनका मजमुआ कलाम जो है दीवान गोया है। विलादत इनकी 1896 में मलिहाबाद के महल्ला मिर्ज़ागंज में हुई और वफात इनकी 22 फरवरी 1928 को इस्लामाबाद में हुई। जोश ने 9 साल की उम्र में ही शायरी की और पहला शेर ये है, क्या है, शायरी क्यों नाराज़ आए मुझे, ये मेरा फ़न ख़ानदानी है। अब बताइए कि इसी तरह आप लोग कमेंट में बताइए कि इसी तरह और कौन ऐसा शायर है जिसका फ़न जो है शायरी उसका फ़न ख़ानदानी है, बताइए जल्दी आप लोग कमेंट के ज़रिए। और कौन ऐसा शायर है जिसके कई पुश्तों में शायरी चली आ रही है, जल्दी बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। आपको चीज़ें रिलेट करके याद रखना है, जल्दी बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, अनीस, अनीस भी कहते हैं ये पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, तो उनका भी उनकी पांचवी पुश्त होती है और इनका ये चौथा पुश्त है। पहले ये खुद हो गए, फिर उसके बाद इनके वालिद हो गए, उसके बाद इनके दादा, फिर परदादा, और ये पांचवी चौथ में ये मतलब ये आते हैं। जोश के मानवी असातिज़ा कौन कौन हैं, हाफिज नज़ीर हैं, खयाम हैं, अनीस हैं, नज़ीर अकबादी हैं, गालिब हैं, इकबाल और टैगोर वगैरह हैं, ये सारे इनके मानवी उस्ताद है। इनकी पहली नज़म जो है हिलाल मुहर्रम थी और ये दारुत तर्जमा हैदराबाद में नाज़िर अदब के ओहदे पर फायज रहे हैं। उसके बाद दिल्ली आए और रिसाले कलीम जारी किया। पूछा जाता है कि रिसाले कलीम किसका किसने जारी किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जोश के रिसाले का नाम है। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा, सरकारी रसाला आजकल के भी मुदीर मुकर्रर हुए। सरकारी रसाला आजकल जो आज तक चल जारी वो सारी है, उसके भी ये क्या रह चुके हैं, मुदीर रह चुके हैं। फिर ये पाकिस्तान चले गए और वहाँ लुगत साजी के खिदमात अंजाम देने लगे। यानी क्या क्या किया, सबसे पहले तो ये दारुल तर्जमा हैदराबाद में नाज़िर अदब रहे, उसके बाद रिसाला कलीम जारी किया, उसके अलावा उसके बाद आजकल के भी ये मुदीर रहे, फिर पाकिस्तान चले गए।
जोश की सबसे ज़्यादा नज़में तहरीक आज़ादी के हिमायत में कही गई है और इसी बिना पर इन्हें मुल्कगीर शोहरत भी हासिल हुई है। जोश जो इतने शोहरत याफ्ता हुए वो कैसे हुए, इन्होंने आज़ादी के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी और ये इनकलाबी शायर भी इसी वजह से कहलाए। तो इन ये बहुत कसरत से इस पर काम किए हैं, इसी वजह से इनको मुल्कगीर शोहरत भी हासिल हुई जिसके बायस शायर इनकलाब का लकब दिया गया। मौलाना अब्दुलरज़ाक ने अपने अखबार हिंद में पहली मरतबा इनको शायर इनकलाब के नाम से पुकारा था। जोश ने मनाजिर फितरत पर जितनी कसरत से नज़में लिखी हैं उसकी मिसाल पूरे उर्दू शायरी में नहीं मिलती। इनकी जो खसूसियत है क्या क्या है, ये शायर इनकलाब है, उसके बाद मनाजिर फितरत इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इनकी नज़म है सुबह शाम, सुबह शाम बरसात की बहारें घटा। अब अभी हम देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि इकबाल है ये भी मनाजिर फितरत पे काम कर चुके हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद है जो ये कर रहे हैं वो भी मनाजिर फितरत है, जो हम लोगों ने पढ़ा था शाय उम्मीद वगैरह। तो लेकिन अब देखते हैं कि इनके बारे में अगर ये अल्फाज कहा गया है, ये जुमला कहा गया है इनके बारे में कि इन्होंने जितनी कसरत से मनाजिर फितरत पे नज़में लिखी हैं उसकी मिसाल पूरे उर्दू शायरी में नहीं मिलती है, तो वो क्या ख़ास रंग है हम इसको देखेंगे इनकी नज़मों में। बदली का चांद ये इनकी मशहूर नज़म है, आपको याद ही होना चाहिए कि बदली की नज़म किसके, बदली का चांद ये किसकी नज़म है, तो ये जोश की नज़म है। इसी तरह ताजदारे सुबह, सावन का महीना, गंगा का घाट, अलबेली सुबह, ये भी आपको याद होना चाहिए, बरसात की बहारें वगैरह जो है इनकी अहम नज़में हैं। ये नज़में उनको उनकी शख्सियत को ज़िंदा जावेद बना दी। उसके बाद देखते हैं जोश की शेरी हैसियत शायर सबाब की है और वो महबूब के वसल के तलबगार हैं। मेहतरानी, मालन, जामुन वालियाँ, उठती जवानी, जवानी के दिन, जवानी की रातें, फितने खान का, पहली मफारकत, जवानी की आमद वगैरह उनकी नज़में हैं। यानी इनकी जो हैसियत है वो फितरत निगार, मनाजिर फितरत निगार के हैसियत से भी हैं, या शायर इनकलाब भी हैं और शायर शबाब भी हैं, इसके अलावा लफ्ज़ों के बादशाह भी हैं। तो बहुत सारे अलकाब से इनको पुकारा गया है। जोश के अंदर सबसे काबिल तवज्जो चीज़ ये है कि ज़बान पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था, इसी वजह से उन्हें लफ्ज़ों का बादशाह कहा गया है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन ज़बान पे इन्होंने बना ली और ऐसी पकड़ बनाई कि इनकी मिसाल दी जाने लगी। उसके बाद अगर इनकी तसानीफ़ की हम बात करें तो मकालात ज़र्री, औराक़ सहर, इशारात, मकालात जोश वगैरह जो है इनकी नसरी तसानीफ है, ज़्यादा है। तो इसमें आपको सीक्वेंस पूछता है, कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है कि किसके बाद कौन है, तो आप लोग इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तब आप जो है वो सही टिक कर पाएंगे। इसलिए कि जहाँ जहाँ ज़्यादा नज़में हैं, जैसे फिराक जो है, फिराक की गज़लें बहुत है, नज़में बहुत है, तो वहाँ भी आपको सीक्वेंस पूछ देगा। फिर आपके यगाना चंगेज़ी का भी है 6-7, तो वहाँ भी आपको पूछ देगा सीक्वेंस। जोश की भी बहुत सारी हैं तो यहाँ भी आपको सीक्वेंस पूछ देगा। तो ये 3-4 को आपको सीक्वेंस के साथ याद रखना है। कि फिर फैज़ की है, अख्तरुल ईमान की है, ये सारे की जो नज़में हैं थोड़ी सी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में, किसी का 3 है, किसी का 4 है, लेकिन ये जो है 5-6 नाम, फिराक है, जोश है, अख्तरुल ईमान है, उसके बाद में फैज़ है, तो इन सब का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये तख्लीक हुई, इसका ये डेट है, इसका ये डेट है, ये डेट है, ये आपको याद होना चाहिए ताकि जो सीक्वेंस अगर लगाने के लिए आए तो आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। रूह अदब, नक्शो निगार, शौल व शबनम, जुनून व हिकमत, हर्फ व हिकायात, आयात व नगमात, अर्श व फर्श, रामिश व रंग, सुम्बुल व सलासिल, सैफ व सबूत, उलू फ़िक्र, मोजद फ़िक्र, गुलबदनी, मिजरा वगैरह इनकी जो है शेरी मजमूए हैं, इनके शेरी मजमूए हैं। और इस तरह से इनके जो मुख्तसर हालात थे, जो आपके काम की चीज़ें थी, वही सब हमने डाला है। कहाँ शादी हुई, कब शादी हुई, ये सारी चीज़ें नहीं डाल करके PDF को बोझल बनाया है, क्योंकि वक्त कम है, कम से कम चीज़ों पे आपका जो है ध्यान हो और ज़्यादा फ़ायदा हो सामने रखा है। अब देखते हैं इनकी नज़मों को क्या है इसमें। बाप रे, PDF भी साफ नहीं है।
कितना वक्त हुआ, 51 मिनट। ला तो बेटा बुक, पीडीएफ साफ नहीं है, बुक ला तो। आप लोगों के पास भी बुक है अगर तो खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ जो पीडीएफ है वो साफ नहीं हो सका है। अच्छा बात है, चलिए ये नज़्म जो है किसान, ये शेरी मजमुआ शोला व शबनम में शामिल है, जो कि 1936 में शाये हुई उसी में शामिल है। झपटे का नर्म रू दरिया शब का इस्तेराब, खेतियां मैदान खामोशी गुरूब आफ्ताब, कहते हैं ना के ये जो नर्म, ये जो सुबह के, ये असल में समा कब का पेश किया गया है, जब सुबह के दिन के जाने का वक्त है रुखसत होने का और रात के आने का वक्त है, तो ये दोनों के बीच की जो खूबसूरत घड़ी है उसी को इन्होंने इस जो है नज़्म में पिरोने की कोशिश की है, उसको उसकी जो है मंजर निगारी की कोशिश की है। तो चुटपुटे का नर्म वो रू, नर्म रू दरिया शपक का इस्तराब, यानी चुटपुटे कहते हैं उस वक्त को जिस वक्त मतलब शाम की आमद हो रही हो और सुबह रुखसत हो रहा हो, तो उस वक्त उस घड़ी को चुटपुटे झुटपुटे कहते हैं। तो उसका जो नर्म रू दरिया शफक का इस्तराब, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो शफक का इस्तराब है उसकी वजह से जो चारों तरफ हल्की हल्की लाली बिखरी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से नर्म दरिया रवा है। और खेतियाँ मैदान खामोशी गुरूब आफ्ताब, और खेती जो है और मैदान उदास हैं। उसके बाद है को मेरे ख्याल से ये पीडीएफ साफ नहीं है, मुझे अपने में हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने नहीं होगी तो आ पाएगा, एक पेज है दिक्कत। इसके बाद अच्छा चलिए एक पेज है तो कर सकते, नहीं तो क्लास कैंसिल कर देते फिर, क्योंकि पढ़ाने में फिर बहुत सोचना पड़ रहा है क्या है यहाँ पे। दश्त के कामों दहन को दिन की तलखी से फराग, पूरे दरिया किनारे धुंधले धुंधले से चिराग, कह रहे हैं ना कि दश्त के कामों दहन को दिन की तलखी से क्या हो गया है, फराग मिल गया है, और दूर दरिया के किनारे धुंधले धुंधले से चिराग है। जो भी जंगल है सहरा है सब है, उसको दिन की तलखी से, दिन की जो तपिश थी उससे फरागत मिल गई है, और ये दरिया के किनारे धुंधले धुंधले से ऐसा लग रहा है कि टिमटिमा रहा है। زیر لب ارض و سما میں باہمی گفتگو شنید جو ہے آسمان اور زمین میں اب لگ رہا ہے کہ باہمی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ مشعل گردوں کے بجھ جانے سے ہلکا سا دود ہے، اور یہ جو مشعل بجھ گیا ہے آسمان کا یعنی سورج، اب اس کی وجہ سے ہلکا سا دھواں سا صرف باقی رہ گیا ہے۔ اس آتے میدان کی سورج سورج کے چھپ جانے سے تنگ، سبزے افسردہ پر خواب آفری ہلکا سا رنگ۔ اس آتے میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ، سبزہ افسردہ پر خواب آفری ہلکا سرنگ ہے۔ جو اب لگ رہا ہے نا کہ سورج چھپ گیا ہے، تو میدان کی اس آتے بھی کم ہو گئی ہیں، تنگ پڑ گئی ہیں، اور سبزہ جو ہے یہ بھی افسردہ ہو گئے ہیں، اس پر بھی اب لگ رہا ہے کہ خواب کی ایک نشہ سا طاری ہو گیا ہے۔ خامشی اور خامشی میں سن سناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سی گویا دن کی گرمی کا گلا، کہہ رہے نا کہ خاموشی ہے، اور وہ خاموشی بھی ایسی ہے کہ اس میں سن سناہٹ جاری ہو گیا ہے، اور شام کی جو یہ خنکی ہے اس سے دن کی گرمی کا گلا ہے، شام کی جو ٹھنڈا پن ہے اس گرمی کا گلا ہو رہا۔ اپنے دامن کو برابر قطع سا کرتا ہوا تیرگی میں کھیتوں کے در میاں کا فاصلہ، اور برابر اپنے دامن کو کیا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، چھوٹا کر رہا ہے، اور درمیانوں کے جو فاصلے ہیں کھیتوں کے اس کو کم کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے،
خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کی شان، خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے میں گردوں پر کسی کے روٹ کر جانے کی شان، خار اور خس جتنا جو ہے کانٹا گھاس پھوس سب پر ایک درد انگیز افسانہ طاری ہو گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی محبوب اپنے محب سے روٹ کر کے فلک پہ جا کر کے بیٹھ گیا. بام گردوں یعنی یہ گرد کہتے ہیں آسمان، اور بام بنے اس کے چھت پہ یعنی اس کے چھت کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ہے. اس کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے ایک سرور ہے، چراغ پر بادل زمین پر تتلیاں سر پر طیور ہے. کہہ رہے ہیں نا کہ دوب، دوب ایک گھاس ہے، دوب کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے ایک سرور ہے، ایک سرور پیدا ہو گیا. شبنم کے قطرات اور دوب کی خوشبو دونوں کے ملنے سے ایک سرور پیدا ہو گیا ہے. اور چرخ پہ بادل ہے، آسمانوں پہ بادل ہے، زمین پہ تتلی ہے اور سر پہ پرندے ہیں. پارا پارا ابر سرخی سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھٹکی سی زمین کھویا ہوا سا آسماں، پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، نرم جا پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی. ایسا لگ رہا ہے نا کہ اب سب سونے کے موڈ میں ہیں. یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، اتقا کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. اب یہ سما ہے اور ایک مضبوط انسان، اور وہ مضبوط انسان کون ہے؟ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کاشتکار، کسان، ایک کسان ہے جو ارتقا کا پیشوا ہے. اسی کی وجہ سے جو کچھ ارتقا ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، فروغ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یا کہیں بھی دنیا میں، تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور تہذیب کا پروردگار کون ہے؟ وہی ہے جس کے پاس، جس قوم کے پاس، جس ملک کے پاس غلہ وغیرہ کثرت سے ہوتا ہے، تو وہی، اسی پر اس کی تہذیب مبنی ہوتی ہے. ورنہ بھوکوں کے حال تو کیسے ہوتے ہیں، وہ نذیر کی نظم میں سمجھ میں ہی آ جاتا ہے. جس کے ماتھے کے پسینے سے پیے عز و وقار، عز و وقار کرتی ہے دریوزہ تابش کلاہ تاجدار. کہتے ہیں کہ اسی کے ماتھے کے پسینے سے لوگوں کی عزت ہے، ورنہ تو پھر تاجدار کو بھی کیا کر دیتی ہے، بھکھار بنا دیتی ہے. سر نگو رہتی ہے جسم سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی. کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے کسانوں کے سامنے، کسانوں کے محنت کے باعث اور اس کے وجہ سے جو فصل اور پیداوار ہوتا ہے، اس بڑے بڑے لوگوں کے بھی، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں کسانوں کے آگے، ان کے بھی سر نگو رہتے ہیں. جیسے ابھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جو کسان لوگ دھرنا دیے ہوئے تھے، تو اس کی بات آخر حکومت نے مان لی، تو سر نگو رہتے ہیں. جس سے قوت تخریب کی، بوتے پہ لچکتی ہے کمر تہذیب کی. جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس سے ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ. سب کچھ جو ہے یہ کسان کی وجہ سے ہے. جس کے بازو کے سلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے بازو، سلابت میں نے سختی، جس کے بازو کے سلابت پر یعنی سختی پر، جتنا وہ اپنے بازو کو سخت بنائے گا اسی پر قوم کے نزاکت کا مدار چھپا ہوگا. جس کے کسی بل اکڑتا ہے غرور شہریار، اور اسی کے بل پہ کون اکڑتا ہے؟ سے بڑا بادشاہ بھی کرتا ہے، تو کسانوں کی محنت پہ کرتا ہے. دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے روا. دھوپ سے جھلسے ہوئے ہیں چہروں پہ، پریشانیاں ان کے رواں ہیں مشقت کی، اور کھیت سے پھرے ہوئے ہیں منہ کو، اور جا رہے ہیں اب گھر کی طرف. نوکر سر پر بغل میں، نوکر ہے نہیں، ٹوکڑا، ٹوکڑا سر پر بغل میں، فاورہ تیوری پبل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط حل. سامنے دو جوڑی بیل ہے، دوش یعنی کاندھے پہ حل ہے. کون ہے ظلمت شکن قندیل، بسم آب و گل، قصر گلشن کا دریچہ، سینہ گیتی کا دل، سینہ گیتی یعنی دنیا کا دل. تو یہ کون، یہ پورے اس میں خوشگواری لاتا ہے، تو وہ کسان ہے. اس کے بعد ہے، خوش نما شہروں کا بانی، راز فطرت کا سراغ، خاندان تیغ جوہر دار کا چشم و چراغ. کہتے ہیں یہ سب جو چشم و چراغ ہے وہ کون ہے؟ کسان ہے. اب کسان کی تعریف اور خوبی بیان کر رہے ہیں. سوار نہیں، کیا ہے، دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام، شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام. کہہ رہے ہیں جس کے دھار پہ یعنی اس کے فاوڑے کے دھار پہ ہی کیا ہے، شگوفوں کا، چمن کے کھلنے کا نظام ہے. اگر اس کے فاوڑے میں دھار نہ ہو تو پھر یہ جو چمن ہے یہ یوں ہی اجڑ جائے. اور شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام، صبح درخشاں کا پیام دیا جا رہا ہے کہ اب کام کرو، اب جو ہے شام ختم ہو گیا. ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑتا ہوا، ڈوبتا ہی ہے،
हाँ, डूबता है खाक में जो रूह दौड़ाता हुआ, मुजमहिल जर्रों की मौसकी को चौंकाता हुआ। ये सारा कुछ किसने किया है? किसान ने। जिसके छू जाते हैं मिसल नाजनी महे जबीन, जिसके छूने से खाक ऐसे शर्माती है और ऐसे इठलाती है जैसे कि किसी महे जबीन नाजनी को छू दिया हो। करवटों पे करवटे लेती है लैला ज़मीन, और करवटों पे करवटे बदलने लगती है ज़मीन की लैला। ऐसे मतलब अपने जैसे माशूक के आने से चादर लोग धीरे से हटाता है, उसी तरह से करवटे बदलने लगती है ये ज़मीन किसानों के फावड़ों पर। अब क्या है? पर्दहाए ख्वाब हो जाते हैं, जिससे चाक चाक मुस्कुरा कर अपनी चादर को हटा देती है। खाक मतलब वही है जो पहले बयान कर दिया है। जिसकी ताबिश में दरख्शानी हिलाल ईद की, खाक के मायूस मतलब पर किरण उम्मीद की। तिफले बारह ताजदार खाक अमीर बोस्ता माहिर आईन कुदरत नाज़ में बज़्म जहाँ, यानी कुदरत के आईन का माहिर कौन है? किसान है। बज़्म ये जहाँ के बज़्म का नाजिम कौन है? तो वो भी किसान है। उसी को पता होता है कि कब कैसा मौसम है, किस में कौन सी फसल बोई जाए, किसमें कब कैसी हवा चलेगी और किस फसल के लिए वो बेहतर होगी, किसके लिए ख़राब होगी। ये सब किसको पता होता है? ये सब किसान को पता होता है। नाजिर गुल पासबान रंग व बुगुल शन पना, नाज परवर लहलहाती खेतियों का बादशाह, ये सब कौन है? किसान है। वारिस असरार फितरत पाते हैं उम्मीद व बीम, और फितरत के असरार का वारिस कौन है? फितरत के रासदार कौन है? और उम्मीद और नाउमीदी के बीच का फातह कौन है? यानी उसको एक किसान जब खेती करता है तो उसे नहीं पता होता है कि मेरी खेती कितनी जो है सक्सेस होगी, क्या इसको सही वक्त पे पानी मिलेगा, सही वक्त पे इसके मौसम इसके जो है मुताबिक होगा कि नहीं, वो उसको नहीं पता होता है। और वो इसी उम्मीद और नाउमीदी में जी कर करके क्या कर लेता है, फिर अपनी फसल जब उसकी लहलहा उठती है तो वो उसका फातह बन जाता है। महरम आसार बारह वाकिफ़ तबाय नसीम, वो बारिशों और जो है हवाओं के राज से वाकिफ़ है। सुबह का फर्जिन खुर्शीद ज़र्र अफशां का इल्म, यानी उसको सूरज का भी इल्म है। मेहनत पैहम का पैमा सख्त कोशिश की कसम, और उसने मुसलसल मेहनत और जो है सख्त मेहनत करने की कसम खा ली है। जलवे कुदरत का शाहिद हुस्न फितरत का गवाह, माह का दिल महर आलम ताब का नूर निगाह, और वो उसको सब उसका शाहिद है। कुदरत का क्या क्या जलवा बिखर रहा है और फितरत के हुस्न का भी वो गवाह है, क्योंकि वो उसकी सुबह कहाँ कटती है तो खेत में, उसके शाम कहाँ कटती है तो खेत में, तो उसको पता है कि सुबह में क्या समा होता है, शाम को क्या होता है, तो वो फितरत का गवाह भी है। माह का दिल है महर आलम ताब का नूर है, वो चाँद का दिल है और सूरज के किरणों का वो नूर है। कल्ब पर जिसकी नुमाया नूर और जुल्मत का निज़ाम मुनकशिफ है, जिसके फरासत पर मिजाज सुबह शाम, उसको सुबह और शाम के राज का जो है इंकशाफ उसके दिल पे पता है। खून है जिसकी जवानी का बहार रोज़गार, जिसके अशकों पे फरागत के तबस्सुम का मदार, उसी के अशकों पे क्या है? फरागत यानी खुशहाली के तबस्सुम का मदार है। जिसकी मेहनत का अर्क तैयार करता है शराब, उड़ के जिसका रंग बन जाता है जहाँ परवर गुलाब। कल्ब आहिन जिसके नक्श पास होता है रकीक, कल्ब आहिन यानी इस मिट्टी लोहे का भी जो दिल है वो क्या हो जाता है? उसके नक्श पास रकीक हो जाता है, पतला हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मिट्टी जैसे ही जो है कितना ही सख्त मिट्टी क्यों ना हो, लेकिन जब उसको वो हल के ज़रिए उसकी खुदाई कर देता है तो वो क्या हो जाता है? रकीक हो जाता है, पतला हो जाता है। शोला खूँ झोंकों का हमदम, तेज़ किरणों का रफीक, और तेज़ किरणों का रफीक कौन होता है? जो नर्म गर्म गर्म जो शोला की तरह हवा चलती है उसका भी साथी वही किसान होता है। खून जिसका बिजलियों के अंजुमन में बारियाब, जिसके सर पर जगमगाती है कुलाहती है रात को, जिसकी नज़र अफलाक पे, रात को आसमान पे नज़र रहती है, पता नहीं कब समा हो जाए और क्या खेती का हाल हो जाए। दिन को जिसकी उंगलियां रहती है नब्ज खाक पे, यानी उंगलियाँ हमेशा खाक में डूबी रहती हैं कि कितना मिट्टी नर्म हुआ, इसमें बोने के काबिल ये मिट्टी हुई कि। साज़ो दौलत को अता करती है नगमे, जिसकी आह मांगता है भीख ताबानी के, जिससे रूए शाह और शाह के जो है चेहरे भी है उससे ताबानी की भी मांगता है। खून जिसका दौड़ता है नब्ज़ इस्तक़लाल में, लोच भर देता है जो शहजादियों की चाल में। जिसका मिस खाशाक में बनता है एक चादर महीन, जिसका लोहा मानकर सोना उगलती है ज़मीन। कह रहे हैं कि जिसका मिस खाशाक में बनता है एक चादर महीन, जैसे ही उसके हल चलते हैं ज़मीन पे तो वहाँ से एक फल जो है एक फसल है लहलहा उठती है और ऐसा लगता है कि ज़मीन अब सोना उगल रही है। हल पे दहका के चमकती है शफक की सुर्खियाँ, और दहका सर झुकाए घर की जानिब है रवा। इस सियासी रथ के पहियों पर
जमाए है नज़र, जिसमें आ जाती है तेजी खेतियों को रौंद कर। इस सियासी रथ जो है उसके जो बैलगाड़ी या मतलब वो जो जोतने का जो पहिया होता है, पता नहीं उसको क्या कहेंगे, तो उसका उसी पे उसकी नज़र जमी हुई रहती है और जिसमें आ जाती है तेजी खेतियों को रौंद कर। और जब वो खेती को पूरा जोत है और उसको पता नहीं उसके लिए क्या लफ्ज़ आता है इस्तेलाह में, वो मुझे अभी जहन में नहीं है, पता नहीं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जो है गांव से पाला नहीं पड़ा हुआ है, तो ये लफ्ज़ें भी मेरे लिए थोड़ी सी अजनबी हैं। तेजी खेतियों को रौंद कर तो और ज्यादा तेजी आ जाती है। अपनी दौलत को जिगर पे तेरे गम खाते हुए देखता है मुल्क दुश्मन की तरफ जाते हुए। अब जब इतना मशक्कत करता है ये गरीब किसान, धूप झेलता है, बारिश झेलता है, हवा झेलता है, सब कुछ झेलता है, सुबह से शाम तक अपने खेतों की हिफाजत करता है, लेकिन जब अपने मुल्क की दौलत किसी गैर मुल्क के हाथ में जाता हुआ देखता है तो उसके जिगर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। अब यहाँ से मजमून बदल गया है कि अपने ही नुमाइंदा के ना अहली की वजह से जब इंसान का कुछ टुकड़ा किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है या यहाँ की दौलत कहीं और चली जाती है, तो फिर उस वक्त एक किसान के दिल पे क्या गुजरता है उसकी उस मंजर की अक्कासी कर रहे हैं। अपनी दौलत को जिगर पर तीर गम खाते हुए देखता है मुल्क दुश्मन की तरफ जाते हुए। कता होती ही नहीं तारीख के हरमा से राह, पागकश बच्चों के धुंधले आंसुओं पर है निगाह। उसको क्या है, उसको अब ये है कि अब तो क्या होगा, हालात बदतर होंगे, उसके बच्चों के परफाका आएंगे और उसके रुखसार पे क्या होगा, आंसुएं बहेंगी। सोचता जाता है किन आंखों से देखा जाएगा बेरिदा बेरिदा बीवी का सर, यानी बीवी का बे आंचल सर, बेदुपट्टे का सर, और बच्चों का मुंह उतरा हुआ सीमो जर, नान व नमक आबो गजा कुछ भी नहीं, घर में एक खामोशी मातम के सिवा कुछ भी नहीं। सीमो जर यानी दौलत भी नहीं है, न रोटी है, न नमक है, न आब है, न गजा है, कुछ भी उसके घर में नहीं है। वार ये हाय हाय, ये सितम ये ऐसंग दिल सरमायादारी हाय हाय क्यों हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि जोश भी सरमायादारी के खिलाफ कसरत से नज़में कहते थे, तो अब ये अपने टॉपिक है। कोई भी तरक्की पसंद वाला होगा या कोई भी किसी नज़रिए का हामिल होगा तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को जाहिर कर ही देगा, सामने ले ही आएगा। तो ये इतना सारा कहने का मकसद क्या था, सरमायादारी को दिखाना था कि सरमायादारी का जब सफीना चलता है तो फिर लोगों के कैसे हालात होते हैं, मुल्क की क्या हालत होती है, किसान उस वक्त क्या सोच रहा होता है, लोग गरीब क्या किस हालात से गुजर रहे होते हैं, इसी को इनको लाना मकसद था। तो ये इतने सारे जो है समा ये बांध रहे थे। चलिए तो कहाँ गया तेरी आँखों में ये सितम ऐसंग दिल सरमायादारी हाय हाय, यानी ये दिल की सख्ती का सितम जो है और ये सरमादारी का जो हाय हाय है। तेरी आंखों में है गलता वो शकावत के शरार, जिनके आगे खंजरे चंगेज की मूर्ति है धार। यानी तेरे आंखों में वो शकावत का शरर उठा हुआ है जिसके आगे अगर चंगेज खान की खंजर भी रख दिया जाए तो उसको भी उसकी भी धार मोड़ देगी। बेकसों के खून में डूबे हुए तेरे हाथ क्या चबा डालेगी ओ कमबख्त सारी कायनात। कह रहे कि क्या बेकसों के खून में तो तेरे हाथ डूबे हुए हैं ही हैं, और क्या करना है, पूरे दुनिया को चबा डालना है, पूरे दुनिया को निवाला बना के निकल जाना है क्या। जुल्म और इतना कोई हद भी है, इस तूफान की बूटियां हैं तेरे जबड़ों में, गरीब गर्ग रह जाते हैं दांतों में दबा कर उंगलियां। गर्ग भेड़िए के शक्ल का उससे जानवर बड़ा एक जानवर होता है, उसी को कहते हैं, तो वो भी परेशान हो जाता है। अदियाए पैरवी दीन व ईमान और तू देख अपनी कहनियाँ जिनसे टपकता है लहू। हाँ संभल जा के अब जहरे अहले दिल के आब हैं, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब है। कहते हैं कि जो दावा करते हैं बहुत सारे दीन और ईमान के पैरवी करने का, उनको देखना चाहिए कि उनके कहनियों से क्या हो रहा है, खून उनकी वजह से लोगों के कहनियों से खून जारी है, और अब संभल जा कि ये लोग जहर देने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ये सब कितने तूफान हैं तेरी कश्ती के लिए बेताब, यानी तेरे कश्ती को डुबोने के लिए कितने ही ऐसे हैं जो बेताब हैं। चलिए अब देखते हैं जंगल की शहजादी, और एक घोट हम पी लेते हैं पानी। अब यहाँ पे इनका है ना, इनका असली रंग जो है, एक रंग तो हम इनका इनकलाबी यहाँ पे देख लिए, ये सारा क्या है, ये सारे में ये इनकलाब का जो नारा लगा रहे हैं कि सरमायादारी
के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इनका फितरत निगारी, मंजर निगारी का जो फितरत है इनके अंदर, वो चीज़ देखेंगे। नज़्म जंगल की शहजादी शेरी मजमुआ नक्शो निगार में है, और ये भी 1936 में ये हुई थी। पेबस्त है जो दिल में वो तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। ये कहीं जा रहे थे रेल के सफ़र से, कहीं इनको कोई माह परी नज़र आ जाती है, और फिर उसके बाद उसके लिए उतर जाते हैं, और उतर करके करके उससे मुकालमा होता है, और फिर उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है। इसी को इन्होंने जो है पूरे मजमून में बहुत तरीके से कहने की कोशिश की है। पेबस्त है जो दिल में वो तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। जाहिर है इसको तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में गुनगुनाता मसरूर जा रहा था, अजमेर की तरफ से जयपुर जा रहा था। तेज़ी से जंगलों में यूं रेल जा रही थी, लैला सितार अपना गोया बजा रही थी। रात की जो तन्हाई में तेज़ी से ऐसे रेल गुजर रही थी कि जैसे कि लैला जो है अपना सितार बजा रही हो। खुर्शीद छुप रहा था रंगीन पहाड़ियों में, खुर्शीद सूरज ताऊस पर समेटे बैठे थे। कुछ दूर पर था पानी, मौजें रुकी हुई थी, तालाब के किनारे झुकी हुई थी। लहरों में कोई जैसे दिल को डुबो रहा था, मैं सो रहा था ऐसा महसूस हो रहा था। ये सारा मंजर देख के इनको लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ। मौज कैफ परवर दिल से गुजर रही थी, हर चीज दिल बरी से यूं रक्स कर रही थी। रुखसती किरण से सब वादियां सुनहरी, नागा चलते चलते जंगल में रेल ठहरी। किरण की रुखसत हो रही थी सारे, और अचानक होता है कि जंगल में रेल ठहर जाती है। कांटों पे खूबसूरत एक बांसुरी पड़ी थी। अब ऐसा लगता है कि कांटों पे खूबसूरत बांसुरी पड़ी थी। देखा कि एक लड़की मैदान में खड़ी थी, वो असल में बांसुरी नहीं थी, एक लड़की जो खड़ी थी वही इनको दिखती है कि कांटे पे एक बांसुरी पड़ी हुई है। जाहिद फरेब गुले रुख काफिर दराज मुस्कुराती है इनके मंजर निगारी को। कैसे? अब उस लड़की से कैसे कह रहे हैं, जाहिद फरेब, जाहिद को भी धोखा देने वाली, गुले रुख खूबसूरत चेहरे वाली, काफिर यानी हर किसी को, काफिर का मतलब इनकार होता है, मतलब इतनी कि हर कोई जो है अपने इससे फिर जाए यानी अज़्म से हट जाए। और दराज मुजगा बड़े बड़े पलकों वाली, सीमी बदन परी रुख नौखेज की तरह, कयामत बर्पा करने वाली सीमी बदन, ऐसा चांदी की तरह नौखेज बदन है नौजवान के, ऐसा लग रहा है कि वो हर किसी को काफिर बना के छोड़ेगी यानी अपने अज़्म को तोड़वा के छोड़ेगी। इतना की तारीफ ये करें, खुश चश्म खूब बदन शकर लब शीरी अदा फसूगर, यानी उसकी बात में जादू है। काफिर अदा शगुफ्ता गुले पैरहन फूलों जैसा उसका जो है पैरहन है। समन बू सुरूरे चमन सही कद रंगीन जमाल खुश रहो, ये सब आप लोग समझ रहे हैं कि माशूक को पुकारने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, और ये अल्फाज जो है आप लोगों के लिए आम होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं। गेसु कमंद महोवश काफूर, महोवश यानी होश को ख़त्म कर देने वाली, काफूर फाम कातिल यानी ऐसी उससे काफूर की खुशबू आ रही है जो लोगों को कत्ल कर दे यानी बेचैन कर दे। नज़ारा सोज दिलकश सरमश्त शमए महफिल, ये सब उसकी अब मंजर जो है निगारी है। अबरू हिलाल यानी जिस तरह नए चांद को जिस तरह वो एकदम बारीक होता है, एकदम घुमावदार होता है, तो उस तरह के अबरू को वो तशबीह दे रहे हैं। मैं एक गूँ जहाँ बख्श रूह परवर नसरीन बदन परी रुख सीमी आसार दिलबर आहू निगाह जैसी आँख नौरस गुलगूँ बहिश्त सीमा चांद जन्नत की चांदी की तरह याकूत लब सदफ गूँ मोतियों की तरह बोलने वाली शीरी बुलंदो बाला गारत गर तहमुल दिल सोज दुश्मन जहाँ परवरदे मनाजिर दोषी से बेआबा, यानी हर इंसान को गारत कर दे, उसके तहमुल को बर्बाद कर दे, दिलों को जला दे, दुश्मनों के जान को, और खूबसूरत मनाजिर वाली दोशीज़ा जो बेआबा में खड़ी है। गुलशन फरोग कम मखमूरा मखमूर माह पारा चांद का टुकड़ा दिलबर के दर कफे ओ मोम अस्त संगे खारा, ऐसा लग रहा है कि मोम है एक पत्थर पे। हर बात एक अफसू हर सांस, ये सब उसकी तारीफ थी, तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि तारीफ क्या है।
आप लोग समझदार हैं, हर बात एक अफसू, हर सांस एक जादू, उसकी हर बात ऐसी लग रही है कि कोई मंत्र है, मंत्र पढ़े जा रही है लोगों पे और लोग मशहूर होते जा रहे हैं, और उसके हर एक सांस में जादू है। कुदसी फरेब मुस्गां, उसकी बड़े बड़ी पलके खूबसूरत, यजदा शिकार गेसू, और उसके जो है बाल भी उसी तरह के खूबसूरत है। सहरा की जेब वज़ीनत, फितरत की नूर दीदा, बरसात की मुलायम, तारों की आफरीदा, ये सब उसकी सिफत है। रंगीन रंगे तमकी, आँखों में बेकरारी, चेहरे पे उसके तमकिनत का रंग है और आँखों में क्या है, बरकरारी है। तमकीन यानी वक़ार का रंग है। ईमाए कोबी, और सीना कूबी का यानी सीना कूटने का, सीना पे पीटने का इशारा कर रही है। फरमाने बादए खारी, लोहा तपाने वाली, जरवों को जौफ शानी, सिक्के बिठाने वाली, उठती हुई जवानी, डूबते हुए सब आजाए हुस्न मुनासिबत में, यानी सारे आज़ा उसके जो है एकदम मुनासिबत से ढले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कोई नामुनासिब है, इस तरह से नहीं, बहुत खूबसूरती से उसके आज़ा की जो है ढलाव है, उसमें खूबसूरती है। पाली हुई गुलों के आगोश में, तरबियत में, और वो उसका जो है तरबियत कहाँ हुई है, फूलों में हुई है। उसने अज़ल है गलता शादाब पंखुरी में, या जान पड़ गई है जंगल की ताजगी में, उसकी वजह से जंगल की ताजगी में भी जान पड़ गई। हूरे हज़ार दिल से कुर्बान हो गई हैं, रंगीन या समेट कर इंसान हो गई, हूरे भी इंसान बन गई हैं उसकी, उसको देख करके कि हमसे भी ये खूबसूरत है तो अब हम किसके लिए इतरा है। चीने सितमगिरी से ना आशना जबी है, मैं कौन हूँ ये उसको मालूम ही नहीं है, कौन है उसकी ज़ात को खुद ही नहीं मालूम है। हर चीज़ पर निगाहें हैरत से डालती है, रह रह के उड़ने वाले चादर संभालती है, यानी पर को संभालती है। आँचल संभालने में यूबल से खा रही है, गोया ठहर कर अंगराई आ रही है, ऐसे बल खाते हुए और अपने दुपट्टे को लहराते हुए संभालती है, गोया कि लग रहा है कि अंगड़ाई ले रही है। कुछ देर तक मैंने उसको बगौर देखा, गश खा रही थी उकबा चकरा रही थी दुनिया, उसको देखकर वो आखरत भी गश खा रहा था और दुनिया भी चकरा रही थी, इतनी खूबसूरत थी। गाड़ी से फिर उतर कर उसके करीब आया, तूफ़ान बेखुदी में फिर ये ज़बान से निकला, तूफ़ान बेखुदी में ज़बान से निकल गया। ए दर्स आदमियत, ए शायरी की जन्नत, एहसान है अज़ल की नाजुक तरी सनात, यानी बनाने वाले की सबसे बेमिसाल नमूना तुम हो। ए रूह सिनफ नाजुक, ए शम ए बज़्म आलम, ए सुबह रूए खंदा यानी सुबह के हंसने वाली चेहरे, ए शाम जुल्फ़ बरहम, शाम के बिखरे हुए जुल्फ़, ए तू के तेरी नाजुक हस्ती में काम आई, कुदरत की इंतहाई तखयल दिल रुबाई, चश्मों से चिराग सहरा, ए नूर दश्त वादी, रंगीन जमाल देवी, जंगल की शहजादी, ये सब उसकी तारीफ है। बस्ती में तू जो आए एक हशर सा हो बपा हो, बस्ती में आने से हशर बपा हो जाएगा, आबादियों में हलचल, शहरों में गलगला हो, शोर हो। रिंदान बाद कश के हाथों से जाम छूटे, यानी जो लोग शराबों में मस्त हैं उनके हाथ से भी जाम छूटने लगेगा तुझे देखकर। तस्बीह शेख उलझे तौबा के टूटे, और जो शेख तस्बीह संभाले बैठे हैं उनके भी अज़्म तौबा के अज़्म टूट जाएंगे। नज़रों से इत्तकन के रस्मों रिवाज उतरे, नहीं इत्तका होगा परहेजगारों, इत्तका परहेजगारों के रस्मों रिवाज उतरे, जुहाद के अमाम शाहों के ताज उतरे, तेरे वजह से सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, जो जाहिद हैं वो भी अपनी पगड़ी उतार कर रख देंगे और जो बादशाह हैं वो उनके ताज भी उतर जाएंगे। आँखों आँखें हों अश्क अफशा, नाले शरर फशा हों, क्या क्या नशायरों के मलबूस धज्जियाँ हों, शहरों के महबशों पर एक आसमान टूटे, परवरदा तमद्दुन अशों के नब्ज छूटे, इस सादगी के आगे निकले दिल निकले दिलों से आहें, झुक जाएं दिलबरों की खुद साख्ता निगाहें, दिलबर की वो खुद साख्ता होकर खुद ही झुक जाएंगे। तेरी अदा के आगे शर्मा के मुंह छुपाए, नापे हुए करिश्मे तौली हुई अदाएं, यानी तेरी एक भी अंदाज है वो हद से तजावुज़ किया हुआ नहीं है या कोई कम नहीं है, बिल्कुल नापी तुली सी अदा है जो हर एक भा रही है, तेरे जिस्म के साथ मेल खा रही है। कि रौ से हो जाए खस्ता व गुम, मश्क व मजावलत के पाले हुए तबस्सुम, अमन व अमां के रुख को बे आब व रंग कर दे, ये अमन व अमां का जो रुख है उसको बे आब व रंग, खूबसूरती दुनिया को हुस्न तेरा मैदान जंग कर दे, दुनिया को हुस्न तेरा मैदान जंग कर दे, यानी तेरे वजह से लोगों में आपस में झगड़े होने लगे। कितनी ही किस्मतों के बदले फलक नविश्त, खून और दोस्ती के कट जाएं कितने ही रिश्ते, सब तेरे वजह से हो जाएगा, आपस में लोग बिखर जाएंगे, आपस में गारतगिरी होने लगेगी। तसनीफ हो हज़ारों छुपते हुए फसाने, इन अंखड़ियों की जद पर कांपे शराब खाने,
तेरी वजह से शराबखाने भी कांपने लग जाएंगे। तेरे पुजारियों में मेरा भी नाम हो, आकाश जंगलों में मेरा कयाम हो। नहीं, तेरे पुजारियों में मेरा भी नाम होता, आकाश जंगलों में मेरा कयाम होता। ये बन ये गुल ये चश्मे मुझसे करीब होते, शायर के ज़ेर फरमा ये सब रकीब होते। अगर ये सब मुझसे करीब होते ना तो सब मेरे रकीब होते, सब मेरे दुश्मन बन जाते, क्योंकि मैं तुझसे तुझे चाहता और ये सब भी तुझे चाहते तो ये सब मेरे दुश्मन बन जाते। क्यों मेरी गुफ्तगू से हैरत फरोश क्यों, ऐ जमजमों की देवी इतनी खामोश क्यों। बजने लगी वफा की महफिल में शादियाने, हाँ दे लबों को जुम्बिश ऐ मेरी ऐ सरमदी तराने। यूँ चुप है मुझसे गोया के कुछ काम नहीं है, ये वो अदा है जिसका कुछ नाम ही नहीं है। ऐसे तो चुप है कि लगता है कि अब तुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तेरे पास कोई काम ही नहीं है, और यही तेरा अदा है जिस नाम भी नहीं दिया जा सकता, यानी बेमिसाल अदा है। सुनना था ये कि जालिम कुराई, फरियाद की नजर ने अरमान दी दुहाई। अश्वा जबी पे ले के दिल की उमंग आया, चेहरे पे खून दौड़ा आँखों में रंग आया। शर्मा ने हर नक्श दिल बरी को, दांतों में यूं दबाया चांदी की आरसी को। चांदी की आरसी, चांदी के कंगन। सुनकर मेरी मचलती आंखों की दने, उसकी निगाह में भी गलता हुई जबाने। शर्मा के फिर दोबारा जुल्फों पे हाथ फेरा, देखा तो जा चुका था, छा चुका था मैदान पर अंधेरा। कुछ जिस्म को चुराया, कुछ सांस को संभाला, कांधे पे नर्म आंचल अंगड़ाई लेके डाला। तारीख करके मेरी आंखों में एक जमाना, जंगल से सर झुकाकर होने लगी रवाना। अरमान ने सर झुकाया, दिल की मिसाल कांपा रह रह के बन कसाया। दिल की मिसाल यानी दिल की मिसाल की ऐसी हो गई कि बन भी उसके जाने से कांपने लगा। बेहोश हो चला मैं, सीने से आह निकली, इतने में रात लेकर कंदीले माह निकली। यानी फिर जो है चांद रूनुमा हो जाती है। मुड़कर जो मैंने देखा, मर चुकी थी पटरी चमक रही थी, गाड़ी गुजर चुकी थी। अब बेचारे करते ही तो क्या करते। चलिए अब देखते हैं शिकस्त जिंदा का ख्वाब, इसमें भी ये इनकलाबी नारा लगाएंगे और ये गज़ल की हैयत में है। और ये भी शिकस्त जिंदा का ख्वाब भी किसान की तरह शोले शबनम में ही शामिल है। यानी इनकी तीनों नज़में आपको याद रखना पड़ेगा, ये लाइन जो है ना याद रखना पड़ेगा, किस हैयत में है और किस बुए में शामिल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए जितनी भी नज़में पढ़ाई गई है किस मजमूए में वो शामिल है आपको याद होना चाहिए, वो मजमूआ कब शाये हुआ और फिर उसके बाद में हैयत इसका क्या है। अगर कभी कभी है बंद तो नहीं पूछता है, लेकिन वो भी याद रहे तो बेहतर है। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। कह रहे हैं ना कि अब हिंदुस्तान का जिंदा कांपने लगा है और हर तरफ गूंजे तकबीर लग रही है। क्यों कि अब जैसे एक ज़माना है, अब लोग अंग्रेज़ों से तंग आ चुके हैं और बहुत उनका जुल्म सह चुके हैं, अब सहने की ताब नहीं है, अब सब एक जगह हो गए हैं और एक जगह होकर करके अपने आवाज़ को बुलंद करने का अब उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा हो चुका है। इसलिए अब ये ना समझे अंग्रेज़ कि अब भी आपकी हुकूमत बाकी रहेगी, अब आपके खिलाफ आवाज़ लगाई जाएगी और चाहे वो जिंदा हो या कहीं भी हो, हर तरफ तरक्की और इनकलाब बरपा होगा। इसी को ये नज़्म में समोए हुए हैं। हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। अब तेरे कैद में कैद होकर, तेरे जिंदा में कैद होकर अब कैदी भी उकता गए हैं, अब इसमें चाहते हैं, अब उनके अंदर होश आ चुका है, अब वो तेरा सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दीवारों के नीचे आमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का आंखों में झलकती शमशीरें। कह रहे हैं ना कि जितने भी थे जिंदा में कैद में, वो सब दीवारों के नीचे आकर ऐसे जमा हो गए हैं जिंदानी कि उनके सीनों में एक तलातुम की बिजली चमक रही है और आंखों में ऐसा लग रहा है कि शमशीर झलक रहा है, चारों तरफ बर्छियां चल रही हैं और लोग मुकाबला आ, बिजली तोपों के दहाने ठंडे हैं। जो लोग इतनी देर से भूख की शिद्दत, चूँकि अंग्रेज़ क्या थे, यहाँ के जो है फसल पे, यहाँ की ज़मीनों पे भी काबिज़ हो गए थे, किसी को भरपेट खाना नहीं, उसमें भी टैक्स
बंधन बांधे हुए थे कि जैसे तिनकठिया जो है, तिनकठिया प्रबंध था, फिर उसके बाद नील की खेती वाला हुआ, फिर उसके बाद बहुत जगह ऐसा हुआ कि इतना टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कहत हो, अकाल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको टैक्स जो है इतना परसेंट देना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए गांधी जी ने बहुत सारा जो है सत्याग्रह वगैरह किया है। तो ये एक हिस्ट्री का ये है, लेकिन वही बात यहाँ पेश की जा रही है कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। भूखों की नजर में अब बिजली चमक चुकी है, अब तू चाहे जितना भी अंग्रेज तोप बरसा ले, अब तेरे तोप के दहाने ठंडे हो चुके हैं, अब वो बेअसर हो चुके हैं, अब कुछ काम के नहीं रहे। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरें, अब तकदीर का बोलबाला होगा, तेरी तदबीर चाल कामयाब नहीं होने वाला है। आंखों में गदा के सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरें। आंखों में गदा के, फकीरों के आंखों में सुर्खी छाई हुई है और सुल्तान के चेहरे बेनूर हो चुके हैं, और तखरीब ने परचम खोल दिया है और सजदा में तेरी सारी तामीरात, तेरे सारे जो है तरक्यात हैं, वो सब कहाँ पड़े हुए हैं, सजदे में पड़े हुए हैं, यानी जमी बोस हो गए हैं, अब उनकी कोई हकीकत नहीं रही। क्या उनको जो रूह मिल्लत को उबलेंगे ज़मीन से, मारे सियाह बरसेंगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर है जो ज़मीन को जेरो किए हुए थे, अपने सरमाया परस्ती में ली, उनको क्या पता था कि आसमान से सांपों के सियाह सांपों की बारिश होगी, नहीं ज़मीन से सियाह सांपें उबलने लगेगी और आसमान से शमशीरों की बारिश होने लगेगी। क्या इनको मिल्लत के जो रूह थे, क्या इनको खबर थी जो अपने निज़ाम को संभाले हुए थे, क्या उनको लगता था कि ज़मीन से भी उन पर आफत आएगी, आन से भी उन पर आफत आएगी। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोसी बेरंगी में झलकेंगी हजारों तस्वीरें। जो सीनों का खून पी जाते थे ना, आज उनको पता होना चाहिए कि यही हजारों तस्वीर है जो उनके मुकाबला के लिए तैयार है। क्या उनको खबर थी होंठों पर जो कुफल लगाया कहे कि एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। जिन जो लोग जो लोगों के जबानों पे ताला लगा के रखे हुए थे, क्या उनको ये खबर भी थी कि उनके वहमो गुमान में भी था कि एक रोज ऐसा भी आएगा कि यही जबानें जो खामोश हैं, इनसे शोला दहकाने वाली तकरीरें जारी होंगी। दागूज उठा झपटों के वो कैदी छूट गए, उठो के वो बैठी दीवारें, वो दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। अब संभलो जाके कि जिंदा गूंज उठा है और कैदी छूट गए हैं, अब सब दीवारें बैठ चुकी है और जंजीरें जितनी है टूट चुकी है, अब आज़ादी ही आज़ादी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। गोया कि इनकलाबी जो है इसमें अक्कासी उन्होंने की है अपने सिफत की, और इस तरह से हमारा जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया और हम अपने इसके तरफ बढ़ते चलेंगे। जब छोटी नज़म होगी तो हम दो शख्सियतों को देख लेंगे, जब बड़ी जो जब लंबी लंबी नज़म होगी तो एक को देखेंगे, और देखते हैं कल है मीरा जी, तो शायद कि मीरा जी ज़्यादा हैं, हाँ ज़्यादा हैं, तो ठीक है कल हम लोग मीरा जी को देखेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।